आपके ऊपर ये भी आरोप लगाया जाता कि जो फॉरेन ट्रिप्स हैं आपके, एक तो बहुत ज्यादा हैं और दूसरा ये फोटो अपॉर्चुनिटी ज्यादा है और कॉन्क्रीट स्टेप्स ज्यादा नहीं होते इसमें। देखिए, सभी प्रधानमंत्री के करीब करीब इतनी ही यात्रा होती है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है जी, आप अगर हिसाब लगाएंगे, क्योंकि अब इंटरनेशनल फोरम बहुत बन गए हैं, मल्टीलैटरल फोरम्स हैं, तो आपको जाना ही पड़ता है, समिट है भिन्न भिन्न प्रकार की। अच्छा, प्रधानमंत्री से नीचे के लेवल का करते हैं तो वहां हमारी आवाज सुनाई नहीं देती है उस फोरम में, तो ये एक प्रकार से अनिवार्य हो गए। पहले तो एक यूएन जनरल असेंबली हुआ करती थी, तो एक बार चले गए और वहां दुनिया के लोगों के सामने अपनी बात बता करके आते थे, आज ऐसा नहीं है। G20 है, पता नहीं कितने कितने बन गए, तो मैं बोलने जाऊंगा तो भी चार नाम मेरे छूट जाएंगे, तो वो अनिवार्य हो गया है। और वो मेरे साथ नहीं, मनमोहन सिंह जी को भी करना पड़ता था। मेरा इतना ही है कि मैं जाता हूं अगर एक देश में तो बगल के एक दो देश करके आता हूं, तो कम खर्चे में कम समय में अधिक काम हो सकता है, तो मैं भारत का दुनिया भर के अंदर अपनी बात पहुंचे प्रयत्न करता हूं। दूसरी बात है, जहां तक पहले जो जाते थे तो कोई नोटिस ही नहीं करता था, जहां जाते थे वहां भी कोई नोटिस नहीं करता था, जहां से जाते थे उनको भी पता नहीं था गए क्या आए। अब मेरा केस ऐसा है कि मैं जाता हूं तो पता भी चलता है, क्योंकि मैं वहां लोगों से मिलता हूं, कुछ काम करता हूं, कुछ निर्णय करता हूं, और मैं मानता हूं देश के लिए मुझे करना चाहिए।